अगर आपकी CFL खराब हो गई है तो आप उसे फेंकिए मत, आप उसका एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, 24 टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, CFL तो हम सभी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये काफ़ी पावर एफिशिएंट होती हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी होती हैं, बट इनका भी अपना एक लाइफ टाइम है जिसके बाद इवेंचुअली ये गिव अप कर देती हैं और ख़राब हो जाती हैं। 70% केसेस में देखा गया है कि इनका जो ग्लास है वो ख़राब हो जाता है, या तो ये काला पड़ जाएगा क्योंकि ये डेली अगर जलेगी या काफ़ी ज़्यादा टाइम तक जलेगी तो ऑब्वियसली ये ग्लास यहाँ कोनों से स्टार्टिंग से जो है वो ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा, या फिर ये ग्लास ब्रेक हो जाता है या फिर इसकी फिलामेंट ब्रेक हो जाती है। तो अगर आपकी फिलामेंट ब्रेक होने की वजह से ये CFL नहीं चल रहा है तो आप हमारी एक पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बताया कि आप एक ख़राब CFL को किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका CFL इस ग्लास ख़राब होने की वजह से जलना बंद हो चुका है, विच मीन्स कि या तो ग्लास ब्रेक हो चुका है या फिर ये काला हो चुका है और आपको मार्केट में रिप्लेसमेंट ग्लास मिल नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप इस CFL से अपने एक ट्यूबलाइट जला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम CFL के सर्किट को ट्यूबलाइट की चोक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने YouTube पे और भी काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि CFL को किस तरीके से हम LED लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने उन सब में नोटिस की है कि वो सारे तरीके इतने प्रैक्टिकल नहीं है, उनमें टाइम और एफर्ट और जो खर्चा है यानी जो पार्ट्स का खर्चा है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि इतने में आप एक नया CFL या फिर आप एक नया LED बल्ब खरीद सकते हो। तो दोस्तों, CFL के सर्किट को एज ए ट्यूबलाइट चोक इस्तेमाल करना काफ़ी इकोनॉमिकल है क्योंकि ट्यूबलाइट ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, सिर्फ 40 या 45 रुपए की ही आती है और उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर आपका CFL का सर्किट सही है तभी ये तरीका काम करेगा, अगर आपका सर्किट सही नहीं है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने आपको बताया था कि आप CFL का सर्किट किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका सर्किट सही है और आपका ग्लास खराब है तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इस CFL को ओपन कर लें। हालांकि मैंने पहले इसको ओपन किया हुआ है तो आसानी से खुल गया, आपको यहाँ थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना, आपको इस तरीके का यहाँ पे कुछ कनेक्शन मिलेंगे, आप इस कनेक्शन को हटा दीजिए। आप सोल्डरिंग आयरन का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इनको डायरेक्टली यहाँ से काट भी सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लास वाला पोर्शन अलग कर देना और ये सर्किट वाला पोर्शन अलग कर देना। हालांकि मैं अभी ये काम करने नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। तो मेरे पास एक और सर्किट है जिस पर मैंने ये सब अलग से ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, ग्लास वाला पोर्शन अलग कर दिया और ये सर्किट वाला पोर्शन रख लिया क्योंकि ग्लास तो ऑलरेडी या तो आपका टूटा होगा या खराब होगा, तो वो तो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, चार काफ़ी लंबी सी वायर जो कि ट्यूबलाइट में फिट हो जाए, उनको जहाँ से आपने ग्लास वाला पोर्शन हटाया था, यानी मैं चार वायर लगी होंगी, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, उसी पे मैंने चार वायर को सोल्डर कर लिया है। दो वायर इस साइड वाली होंगी, लेफ्ट साइड वाली, और दो वायर राइट साइड वाले पोर्शन में जाएंगी ट्यूबलाइट के। तो मैंने दोनों को सोल्डर कर लिया। आप इसी तरह या तो सोल्डर कर सकते हो या फिर कुछ CFL के अंदर ऊपर ये इस तरह के कुछ खांचे बने रहते हैं, इन पे आप हाथ से भी तार को लपेट के या फिर टांका लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सोल्डर ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि टांका बार बार लूज नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इन जो दूसरा एंड है, यानी चार वायर हमारे पास हो गए, दो एक तरफ की, दो दो ही तरफ की, ये दोनों वायर आपको ट्यूबलाइट में दोनों तरफ लगा देनी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्यूबलाइट है, छोटी वाली ट्यूबलाइट मैंने ली है क्योंकि काफी बड़ी वाली ट्यूबलाइट इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं ऐसे अभी ऐसे ही लगाने जा रहा हूँ। आप इसमें सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप ट्यूबलाइट जो फिटिंग होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक तार मैंने लगा दी, एक तार और लगाने जा रहा हूँ, ये दोनों वायर मैंने एक साइड लगा दी है। ये देखिए, इस तरीके से, इसी तरीके से मुझे दूसरी तरफ वायर लगानी है। दोस्तों, आपको ये सारा जो भी काम करना है ये आपको पावर सप्लाई बंद करके करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको शॉक वगैरह ना लगे, आप कभी भी मेंस में प्लग करके ये सब काम ना करें, आप पहले मेंस से हटा लें क्योंकि अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। तो दोस्तों, मैंने इस साइड भी वायर लगा दी है और इस साइड भी वायर लगा दी है दोनों तरफ। तो आइए अब मैं आपको इसको एक बार जला के दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको पूरा शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन दोनों तरफ वायर लगा दिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पावर में डायरेक्टली प्लग करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे
तो मेरी ट्यूबलाइट देखिए जलनी शुरू हो गई है। हालांकि क्योंकि सॉकेट थोड़ा लूज़ है तो इसलिए आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही होगी, लेकिन मेरी ट्यूबलाइट जलनी शुरू हो गई है। दोस्तों इसके लिए एक सबसे बड़ा थंब रूल है कि आपकी जो भी CFL आपकी ख़राब हुई है उससे नियरेस्ट वॉट की आप ट्यूबलाइट ले लें। फॉर एग्जांपल जो मेरी ये वाली एवर रेडी की CFL थी ये 15 वॉट की थी, तो मैं इसमें 18 वॉट की ट्यूबलाइट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जिसमें कोई भी ओवर हीटिंग या फिर कोई और दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास बड़ी CFL है यानी आपके पास 23 वॉट की या 27 वॉट की या फिर 35 वॉट की CFL ख़राब हो गई है तो आप उसमें 40 वॉट वाली या फिर 38 वॉट वाली ट्यूबलाइट इस्तेमाल कर सकते हो और वो भी चलेगी। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपकी ट्यूबलाइट की दोनों में से कोई एक फिलामेंट ख़राब हो चुकी है तो आप इन दोनों पोर्शन को शॉर्ट भी कर सकते हो, इससे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्किट ख़राब नहीं होगा। क्योंकि ये सर्किट जो ट्यूबलाइट की चोक होती है उसके सर्किट से थोड़ा सा अलग होता है तो इसमें शॉर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक चोक होती है उसके सर्किट को आप इस तरीके से कभी शॉर्ट ना करें क्योंकि वो ओवरहीटिंग की वजह से उसके ट्रांजिस्टर या फिर और कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों आप इसको किसी भी ऐसी जगह इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे आपको डेकोरेशन या फिर डेकोरम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, जहाँ पे आपको सिर्फ रोशनी ही चाहिए, या फिर आप इसको एज ए ट्यूबलाइट चोक इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से CFL बल्ब के सर्किट को एज ए ट्यूबलाइट की चोक इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप उससे एक ट्यूबलाइट जला सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसको डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।